वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट्स के बारे में देखेंगे। इसमें काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस हैं, इसके अलावा सिलेक्शन लिस्ट भी देखेंगे। पहला नोटिफिकेशन है यहाँ पर CDPO ऑफिस टंगमर्ग की तरफ से। इसमें आंगनवाड़ी हेल्पर्स की वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 23 अक्टूबर 2023। वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो। नेम ऑफ पंचायत, वार्ड नंबर, आंगनवाड़ी सेंटर नेम यहाँ पर दिए हुए। उसके बाद इसमें है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें एज जो है 18 to 37 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए J&K का। कैंडिडेट इलेक्टोरल वार्ड से होना चाहिए जहाँ पर सेंटर की लोकेशन है। इसमें क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होनी चाहिए। 8th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो यहाँ पर मेंशन है। एप्लीकेशन आपको CDPO ऑफिस में सबमिट करनी है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है यहाँ पर CDPO ऑफिस बटवारा की तरफ से। यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स दोनों की वैकेंसीज हैं। वर्कर्स के लिए 5 और हेल्पर्स के लिए 9, टोटल यहाँ पर 14 वैकेंसीज हैं। 12 अक्टूबर से आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 24 अक्टूबर 2023। एप्लीकेशन आपको CDPO ऑफिस में सबमिट करनी है। नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हो डिटेल। इलेक्टोरल वार्ड नंबर, उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर्स नेम यहां पर दिए हुए। पहले है वर्कर्स के लिए, उसके बाद हेल्पर्स के लिए। उसके बाद इसमें है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वर्कर्स के लिए यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए J&K का। कैंडिडेट इलेक्टोरल वार्ड से होना चाहिए जहाँ पर सेंटर की लोकेशन है। उसके बाद एज इसमें 18 to 37 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 पास होनी चाहिए और मैक्सिमम इसमें ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन से ज़्यादा वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। जिनकी फैमिली से कोई रिटायर हो रहा है उनको 2 पॉइंट मिलेंगे और हेल्पर्स के लिए क्राइटेरिया पहले भी मैंने बताया वही है। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स की वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन आया है CDPO ऑफिस सुंबल की तरफ से। आंगनवाड़ी सेंटर नेम है यहाँ पर वानी मोहल्ला शादीपुरा। इसमें अप्लाई करने के लिए 14 डेज का टाइम है। बाकी इसमें जो क्राइटेरिया है वो सेम है जो मैंने पहले बताया है। एज जो है आपको कैलकुलेट करनी है 1 जनवरी 2023 तक। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है CDPO ऑफिस रियासी की तरफ से। यहाँ पर वर्कर्स और हेल्पर्स की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हो। पांच आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जिनमें वर्कर्स की वैकेंसीज हैं। इसके अलावा 4 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जिनमें हेल्पर्स की वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 21 अक्टूबर 2023 और क्राइटेरिया सेम है जो मैंने पहले बताया। जो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो यहाँ पर मेंशन है। सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। एप्लीकेशन आपको CDPO ऑफिस में सबमिट करनी है।
लोकेशन है गीता नगर, नियर ITI रियासी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई है आंगनवाड़ी हेल्पर्स की। नोटिफिकेशन आया है CDPO ऑफिस रामनगर की तरफ से। ऑब्जेक्शंस आप सबमिट कर सकते हो 10 डेज तक। इसमें एक ही कैंडिडेट है। उसके बाद है CDPO ऑफिस पंचेरी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर भी सिलेक्शन लिस्ट आई है। ये जो सिलेक्शन लिस्ट है आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए है। ऑब्जेक्शंस आप सबमिट कर सकते हो 10 डेज तक। डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल इसमें 3 कैंडिडेट्स हैं। कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।